हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ सेवन में। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में बच्चों की देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि बारिश स्टार्ट होते ही बच्चों को सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी होना, फंगल इन्फेक्शन होना, घमौरिया ज़्यादा निकलना, इसके साथ साथ लाल लाल दाने होना और ज़्यादा बीमार होना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में हम बच्चे की केयर कैसे करें ताकि हमारे बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने के बाद बारिश आती है, मौसम चेंज होता है, बहुत गर्मी के बाद अचानक से बारिश आता है, मौसम ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे हमारे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं मौसम चेंज होने की वजह से। बहुत गर्मी से अचानक बच्चे थोड़ा ठंडे मौसम में आ जाते हैं, इससे बच्चे ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मौसम में हमें बच्चे की एक्स्ट्रा देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ठंडी गर्मी तो इंसान जानता ही है कि ठंडी में बच्चे को एक्स्ट्रा देखभाल की ज़रूरत है, बच्चे को ठंड ना लगे, गर्मी में बच्चे को ठंडा रखने की ज़रूरत है। लेकिन बारिश में क्या करें, बारिश में पेरेंट्स गलतियां कर जाते हैं। बारिश में ठीक है, नॉर्मल मौसम समझ के बच्चे की केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो कि बारिश के मौसम में आपको अपने बच्चे के डाइट पे बिल्कुल ध्यान देना है। आपको बच्चे की डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए, इस मौसम में बच्चे के लिए क्या बेहतर रहेगा, जिससे आपका बच्चा बरसात का जो मौसम है 2-3 महीने वो पूरे आरामदायक बिता सके। क्योंकि देखने को मिलता है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा जो बारिश में होता है वो बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, जर्म्स, कीटाणु, यही सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी से हम बच्चे को दूर रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें बच्चे के खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना है। हम वही चीज़ बच्चे को देंगे बारिश के मौसम में जो बच्चे के लिए वास्तव में बेस्ट रहे, जिससे बच्चा कम बीमार पड़े। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे को बारिश के मौसम में दलिया आपको ज़रूर देना है, क्योंकि दलिया बहुत ही अच्छा होता है। ये गेहूं का बना होता है। आप दलिया बच्चे को किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। आप चाहें तो तहरी बना के दे सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ हल्का सा नमक डाल के बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा मीठा पसंद करता है तो आप उसे खीर बना के दे सकते हैं। और अगर बच्चा वास्तव में टेस्टी खाना बहुत पसंद कर रहा है, तो उसको आप दलिया को क्या करें कि जो भी आपके उस समय मौसमी फल हो, मौसमी सब्जी हो, उसको हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े में काट के उबाल के उसमें आप डाल के बच्चे को दे सकते हैं और टेस्टी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अपने बच्चे के डाइट में दलिया ज़रूर शामिल करना है। दलिया बहुत ही अच्छा होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आपका बच्चा कम बीमार पड़ेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि बारिश के मौसम में बच्चे को ड्राई फ्रूट देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ड्राई फ्रूट में सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। अगर आप उसे बच्चे को देंगे तो आपका बच्चा कम बीमार पड़ेगा। आप उसे किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट का पाउडर बना करके दूध में मिला के बच्चे को दे सकते हैं। आप चाहें तो उसे तवे पे रोस्ट करके उसका फिर पीस करके हलवा बना के बच्चे को दे सकते हैं। आप चाहें तो बच्चे का जो भी फूड बना रहे हैं उसके ऊपर से आप सजा के बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, वैसे भी खा सकता है, तो आप वैसे भी दे सकते हैं। लेकिन आपको अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट देना चाहिए बारिश के मौसम में। गर्मियों में हम लोग मना करते हैं ड्राई फ्रूट देने से, क्योंकि गर्मी के सीज़न में वैसे ही गर्मी होती है, ड्राई फ्रूट भी गर्म होता है, तो बच्चे को वो नुकसान कर जाता है। लेकिन बरसात में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बच्चे को ड्राई फ्रूट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे की सेहत की बात है। फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप बच्चे को ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, जैसे आपका छुहाड़ा हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, तो इसको आपको रात में भिगा देना है, फिर सुबह आपको बच्चे को देना है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि बच्चे की डाइट में आपको 1 गिलास दूध जरूर शामिल करना है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। और जब भी आप बच्चे को दूध दे रहे हैं, उसके साथ आपको खजूर जरूर देना। 2 खजूर दिन भर में अपने बच्चे को दीजिए। खजूर जो होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है, और बारिश के मौसम में देने से बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आप बच्चे को खजूर और दूध दोनों साथ में दीजिए। डेली 1 गिलास दूध, 2 खजूर बना लीजिए कि हमें बच्चे को देना ही है। दूध में कैल्शियम होता है, जो कि बच्चे के बोन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगर आप दूध और खजूर देंगे तो आपका बच्चा कम बीमार पड़ेगा। आप उसे बच्चे को किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। बच्चा बहुत छोटा है तो आप खजूर का पेस्ट बना के दीजिए। बच्चा बड़ा है, खा सकता है इजली, तो आप बच्चे को खजूर और दूध दे सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि बारिश के मौसम में जो भी उस समय फ्रूट्स हों, वो बच्चे को आप जरूर दीजिए। लगता है लोगों को कि बारिश स्टार्ट हो गई है तो बच्चे को अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसे पानीदार फल देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे में अब पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स, बारिश में बहुत ज़्यादा पसीना होता है।
आप देखते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा घमौरियाँ बारिश में ही होती हैं, तो ऐसे में बच्चे की जो बॉडी है वो उसको हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये ध्यान देना है कि बारिश के मौसम में आपको बच्चे को जो भी उस समय तरबूज चल रहा है, खरबूज चल रहा है, लीची चल रहा है, आम चल रहा है, खीरा है, जो भी फल है मौसमी वो बच्चे को दीजिए। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप ये सारे फल दे रहे हैं तो आपको 1 घंटे ठंडे पानी में भिगा देना है, उसके बाद आपको बच्चे को देना है। जब आप ठंडे पानी में भिगा देंगे तो उस फल की गर्माहट निकल जाएगी और बच्चे को नुकसान नहीं होगा। आप इसे किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, आप चाहें तो उन फ्रूट्स का आप सूप बना के दे सकते हैं, आप चाहें तो उन फ्रूट्स का कुछ भी हलवा टाइप बना के दे सकते हैं, स्लाइस में काट के दे सकते हैं, जो आपका बच्चा इजिली खा सके आप वैसे दीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं उसका विशेष ध्यान दें। सबसे पहले बच्चे के डाइट में आप दही जरूर शामिल करें, दही चावल बहुत ही अच्छा होता है। आप बच्चे को बारिश के मौसम में थोड़ा चावल कम खिलाइए, आप हो सके तो बच्चे को रोटी दाल खिलाइए, आप हो सके बच्चे को दाल पिलाइए, आप हरी जो सब्जियां हैं उसको बच्चे को उसका जूस जो है वो दे सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप बच्चे को दे रहे हैं वो तुरंत ताज़ा बना हुआ हो, क्योंकि बारिश के मौसम में बैक्टीरिया बहुत तेजी से खाने पे बैठ होती हैं। कि आप देखते हैं जब बारिश हो जाती है तो पूरा घर अजीब सा उसाइन उसाइन महकने लगता है, कपड़े धूप ना लगे तो आप देखते हैं कितना गंदा महकने लगता है कि उसको शरीर पे डालने का मन नहीं करता, परफ्यूम लगा के डालना पड़ता है, सूख तो जाता है लेकिन महक उसमें बनी रहती है। तो उस समय बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो जो भी खाना हमारे घर में बन रहा है अगर वो 5 घंटे से ज़्यादा हो गया तो आप उसे बच्चे को नहीं देंगे, आप बच्चे को फ्रेश बना हुआ ही खाना देंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चे को बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि जो जंक फूड होता है जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया मतलब इस समय बहुत तेजी से होते हैं, तो बच्चे को आप जंक फूड नहीं देंगे, उससे दूर रखेंगे। फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसे आपको बार बार दूध पिलाते रहना है, 1-1 घंटे में दूध पिलाइए, बच्चे में पानी की कमी नहीं होने देना है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।